वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज हम बात करेंगे जो क्लास एट्थ की फिजिक्स की सीरीज चल रही है आपकी, उसका एक थर्ड चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। तो इससे पहले कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसके पूरे के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखिएगा अच्छे से, और साथ में जो कॉन्सेप्ट मैप भी मैंने बताए हैं तो उनको भी समझिएगा। और इसके साथ साथ क्या है कि जो वीडियोज़ हैं मेरे काफ़ी लेंथी रहते हैं, तो आप परेशान मत होया करिए कि इतने सारा इतना लंबा कौन देखे, ये आपके लिए ही है। क्यों है कि सारा का सारा जो सिलेबस है आपका, सारा जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको एक साथ मिल जाएं, आपको इधर उधर भागना ना पड़े। पता चले कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ पर पढ़ा है, कहाँ पर है, कहाँ से पढ़ा है, तो पूरा का पूरा अगर आपको क्यूक रिविजन भी करना है सिलेबस का तो डबल स्पीड करके आप तुरंत का तुरंत उसको देख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि पूरा का पूरा अपलोड करना पड़ता है, एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी बीच में रुक भी जाता है, फिर दोबारा अपलोड करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो मेरे लिए होती है, लेकिन आपको तो क्या सीधा सीधा पढ़ना है, तभी भी ना पढ़ पाओ तो बेकार है। तो आपको इसको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, जरूर नहीं कि एक बार में देखिए, आप एक एक दो दो दिन करके देख लीजिएगा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप जैसे बीच में बोर हो गए तुरंत पॉज करिए, बंद करिए, रख दीजिएगा, एक दो तीन चार पाँच दिन जब भी आपको टाइम मिले तब देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर जैसे अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमको भी पता चलता है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं। और साथ में अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको जो अपडेट्स हैं मेरे वो आपको पल पल पर मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फोर्स की। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए एक्ट, मतलब फोर्स क्या है कि पुलिंग और पुशिंग जो एक्ट है उसकी वजह से अगर बॉडी की क्या है स्टेट चेंज हो जाती है, बॉडी की क्या हो जाती है स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो स्टेट चेंज हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, फोर्स के एक्ट और फोर्स के एक्ट की वजह से, जो कि पुश या पुल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स के बारे में। अब क्या है कि जो फोर्स की वजह से जो फोर्स का जो मूवमेंट है उसको हम कैसे समझेंगे, मीन्स मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को समझने से पहले कुछ इसमें इंटरनल चीज़ें हैं उनको समझिएगा। जैसे कि दे रखा है ट्रांसलेटरी मोशन, क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन, अगर कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी इस तरह से रखी हुई है, एक यहाँ पर फ्लोर पर रखी है, और आपने क्या किया इस पर फोर्स लगाना अप्लाई कर दिया, आपने फोर्स लगाना अप्लाई कर दिया, अब ये क्या बॉडी है फ्री टू मूव, मतलब फ्री टू मूव कर सकती है, मूव कर सकती है। तो जैसे आपने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करने लगे, मूव करना स्टार्ट कर जाए, उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाए, मीन्स बोल सकते हो स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट कर जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि अगर रोड पर कार चल रही है, स्ट्रेट रोड पर कार चल रही है, तो वो भी आता है किसके अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। ट्रेन चल रही है ट्रैक पर, ट्रेन चल रही है रेल पर, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आता है। ये हो गया, लेकिन बॉडी क्या है फ्री टू मूव कर सकती है। इन केस अगर बॉडी क्या कर रही है, फ्री टू मूव नहीं कर पा रही है, बॉडी क्या कर रही है फ्री टू मूव नहीं कर पा रही है, मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपने बॉडी रखी और यहाँ पर क्या है फिक्स्ड है, आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, आपने क्या किया फोर्स अप्लाइड किया, लेकिन वो क्या है फ्री टू मूव नहीं है, जो बॉडी जिसमें आपने फोर्स अप्लाई किया एक पॉइंट पर वो क्या है फिक्स्ड है, एक पॉइंट पर क्या है फिक्स्ड है, लेकिन इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या करना स्टार्ट कर जाएगी, रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी, किसके थ्रू, जो फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है, क्या करना स्टार्ट कर जाती है, रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है। जैसे कि अगर दे रखा है कोई हमारा जो गेट होता है, रूम का गेट इस तरह से बना हुआ होता है ना, इस तरह से, तो आपने क्या किया यहाँ से आपने पुल किया, पुश किया, गेट क्या हो जाएगा बंद या फिर ओपन हो जाएगा, क्लोज या फिर ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या हिंज्ड होता है, यहाँ पर आपने देखे होंगे हिंज्ड, दोनों साइड क्या होते हैं हिंज्ड होते हैं, तो इस वजह से यहाँ से जो गेट है हमारा वो क्या करना स्टार्ट कर जाता है, वो डोर है वो ओपन या फिर क्लोज होना स्टार्ट कर जाता है, मीन्स टर्न करना स्टार्ट कर जाता है। तो जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, जो डोर आपका क्या हो रहा है टर्न हो रहा है, जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। एक बार और समझिएगा ध्यान से कि जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है किसके अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट या फिर पिवोटेड पॉइंट के अबाउट या फिर हिंज पॉइंट के अबाउट, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या सिंपली आप बोल सकते हो मूवमेंट। क्या बोल सकते हो, मूवमेंट। कहीं कहीं बुक्स में दे रखा होता है टॉर्क,
क्या दे रखा होता है, तो टॉर्क भी उसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क भी आप इसको बोल सकते हो। क्या है, कितने नाम हो गए? मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की। अब हो किस तरह सकता है? दो तरह से हो सकता है, एक तो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट और क्लॉक वाइज मूवमेंट। मीन्स क्या है, जो आपका टर्निंग इफेक्ट है, जो आपका टर्निंग इफेक्ट है, अगर आपका क्लॉक वाइज हो रहा है, अगर आपका क्लॉक वाइज हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्लॉक वाइज मूवमेंट। मीन्स अगर टर्निंग इफेक्ट कैसा हो रहा है, क्लॉक वाइज, मीन्स इस तरह से आपका रोटेट कर रहा है, इस तरह से आपका टर्न कर रहा है। कोई भी आपने फोर्स लगाया, बॉडी इस तरह से क्या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गई, तो उसे बोलेंगे क्लॉक वाइज मूवमेंट। अगर बॉडी क्या कर रही है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर गई है, रोटेट करना स्टार्ट कर गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। तो दो तरह से हो सकते हैं, क्लॉक वाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। अब कुछ फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स को। मेनली टू फैक्टर हैं जो मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, तो समझिए इसको ध्यान से। जैसे कि बॉडी है, यहाँ पर हिंज्ड है, यहाँ पर मान लो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया आपने, एफ फोर्स लगाया, और ये जो बॉडी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर बॉडी इसकी जो लेंथ है यहाँ तक, मान लो डी है, तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जैसे आपने फोर्स लगाया, अब क्या करता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करे कि कितना आप फोर्स लगा रहे हो। जितना आप फोर्स लगाओगे उसी हिसाब से तो बॉडी जो होगी रोटेट करेगी, उसी हिसाब से तो टर्न करेगी, उसी हिसाब से तो रोटेट करेगी, उसी हिसाब से टर्न लेगी। तो कितना आपने फोर्स लगाया है, तो वो किस पे, जितना आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाया है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वजह से हमारा क्या निकलेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट जो हमारा टर्म है किस पे डिपेंड करेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। और दूसरा करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड बिटवीन द फिक्स पॉइंट। मीन्स लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की है और जो फिक्स पॉइंट है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो दो टर्म है, एक बार और ध्यान से देखिएगा, जो फैक्टर इस पे जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ? तो ये अगर आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मूवमेंट आएगा आपका क्या, यही दोनों फैक्टर्स का क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना, मल्टीप्लाई। तो मूवमेंट क्या आएगा आपका, m इक्वल टू m से डिनोट करना, f इंटू डी, क्या आएगा, f इंटू डी, ये आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। देखिए इसको और समझिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, m इक्वल टू f इंटू डी, क्या आएगा, f इंटू डी। एफ क्या है, फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? अब जो जो मैंने यहाँ से इस तरह से बनाया था, यहाँ से इस तरह से बनाया था, जो आपको जो फोर्स लगा रहे थे आप, ठीक है, तो जो डी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं उसको, इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं यूनिट की, बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकालेंगे आप, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो ये क्या है, एसआई यूनिट। क्लियर हो गया? एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये अब इसकी बात बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चल चलते हैं। देखिएगा देखिएगा ध्यान से कि एक पॉइंट बनता है यहाँ पर कि न्यूटन मीटर किसकी भी होती है, आगे चल के आप मैं बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, ये होती है बक की और एनर्जी की भी, ठीक है, लेकिन उसको हम लिखते हैं, उसको जूल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल। तो इसको जूल क्यों नहीं लिख सकते, रीजन है, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, ये जो टॉर्क है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है हमारा, कोई ना वर्क है, ना ही हमारा क्या है, ना एनर्जी है। एक रीजन और है, एक रीजन और है, तो एक जो रीजन है आप बताइएगा मुझको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, दूसरा रीजन और क्या हो सकता है जिस वजह से हम इसको जूल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाला जो अपलोड करूँगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ वाला, उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जैसे डोर आप ओपन करते हो, डोर ओपन करने से पहले एक चीज़ समझिएगा, जैसे ये डोर है ना, यहाँ पर कुंदा लगा हुआ होता है, यहाँ पर ये फिक्स्ड, यहाँ पर हिंज्ड होता है, जहाँ पर ये देख रहे हो यहाँ पर दो जगह या तीन जगह हिंज्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपने जो गेट है तो उसमें जो हाथ से हैंडल पकड़ने वाला होता है उससे आपने ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया आराम से। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ फोर्स लगाऊँ,
ठीक है, आप घर का खोल के देखना, आप यहाँ से आप पकड़ के खींचना स्टार्ट करो या बंद करना स्टार्ट करो तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा लगाना पड़ेगा देखिए समझिएगा। जैसे हमारा मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात करते हैं गेट की, तो गेट देखिएगा, ये गेट बना हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स यहीं पर तो लगा रहे हो, और इसकी जो डिस्टेंस आएगी ये वाली आएगी। मीन्स डिस्टेंस क्या जानता है, मूवमेंट, और जो मूवमेंट है हमारा, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि गेट तो उतना ही खुलना है, तो अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट कॉन्स्टेंट ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स है हमारा वो क्या करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। फोर्स क्या है, कम हो जाएगा। देखिए दोबारा समझिएगा, मूवमेंट है, अगर फोर्स है, अगर मान लो आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो मूवमेंट क्या है आपका, मूवमेंट तो आपका कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस क्या कर दी, कम कर दी, तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए गेट के केस में क्या होता है, जैसे आपने जो गेट है अगर आप यहाँ से खोलना स्टार्ट करोगे इसको, तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर है? क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप पॉज करिए और दोबारा से इसको रिपीट करके सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो एप्लीकेशन इसका, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि आपने देखा होगा जो हैंड फ्लोर ग्राइंडर होता है, जो गांव, अब तो लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन गांव में पहले यूज़ होता था। इस तरह से होता है, यहाँ पर बीच में एक हैंडल, यहाँ पर बीच में एक होल होता है जहाँ पर कुछ लकड़ी से लगा होता है, यहाँ पर हैंडल होता है इसका। तो हैंडल मोस्टली लेडीज़ पकड़ के और यहाँ पर आटा वगैरह पीसने के लिए गेहूँ डालती हैं, तो इसको ऐसे ऐसे करके रोटेट करती हैं, घुमाती थी। तो ये यहाँ से रोटेट हो रहा है और यहाँ पर हैंडल है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती काफ़ी ज़्यादा होती, इस वजह से जो रोटेशन है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। अगर यहाँ रख जो हैंडल यहाँ लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल इसका एंड पॉइंट पर, इस तरह से सर्कुलर होता है, तो बिल्कुल एंड पॉइंट पर हैंडल लगाया जाता है, जिससे कि उसे आसानी हो, जो फोर्स क्या करना पड़े, कम फोर्स लगाना पड़े, जिससे कि लार्ज जो टर्निंग इफेक्ट है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। फोर्स कम लगाना पड़ेगा और टर्निंग इफेक्ट हमारा लार्ज आ जाए, ज़्यादा का ज़्यादा आ जाए, तो ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके बाद देख लिए, देखिए अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, अगर लॉन्ग स्पैनर है, ठीक है, स्पैनर आपने देखा होगा, इस तरह से ये स्पैनर है, तो यहाँ पर आपने देखा और काफ़ी लंबे होते हैं, और फोर्स आप जैसे आपको कोई नट और नट वगैरह बोल्ट अगर खोलना है तो यहाँ लगाते हो और यहाँ से पकड़ते हो इसको, यहाँ से आप पकड़ोगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ पकड़ोगे, तो आप यहाँ पकड़ के ओपन करते हो। अगर बिल्कुल यहाँ पकड़ लिया आपने, डिस्टेंस कम कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया, तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर पकड़ के इसको ओपन करते हैं, ना कि यहाँ पर, यहाँ पर पकड़ेंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हो सकता है खोल भी ना पाओ, तो इस तरह से होता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, अगर हम बाइसिकल की बात करते हैं, जो पैडल होता है हमारा, पैडल होता है कि पैडल आपने देख रहे हो यहाँ पर, समझिएगा, तो पैडल क्या है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, तो ये जो हमारा व्हील होता है, जो व्हील है हमारा, टूथित व्हील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टूथ, जो हमारे टूथ होते हैं इसमें, टूथित व्हील बोलते हैं उसको। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो फुट पैडल होता है उसकी थोड़ी डिस्टेंस क्या होती है, लार्ज होती है, तो लार्ज डिस्टेंस पे इसको रोटेट करते हैं, इस वजह से हमारा जो पीछे वाला व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये चैन के कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से पूरा का पूरा पीछे वाला जो हमारा ट्यूटार है वो क्या करने लगता है, रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो जो फुट पैडल है वो लार्ज डिस्टेंस पर, जो यहाँ पर एक्सेल है, एक्सेल के लार्ज डिस्टेंस पर होता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्स वहाँ पर कम अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये सारे अब जो एप्लीकेशन थे खत्म हो जाते हैं, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप मूवमेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि एक हिंज ऑफ ये डोर है, जो कि 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन गेट है। तो गेट का जो ये गेट है, मान लो, है ना, तो जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है, तो वो कहाँ से है, जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो वहाँ से 1 मीटर पे है। मीन्स आपको डी पता चल गया, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 70 न्यूटन का। तो आपको डी मिल गई, 1 मीटर है, और फोर्स भी पता चल गया 70 न्यूटन है। तो अब आपको कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करिए, और डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो इस तरह से आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं इस कॉन्सेप्ट पे करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड
फोर्स आपको क्लियर पता होना चाहिए, तो उस बेसिस पे आप मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिएगा समझिए, बात करते हैं प्रेशर की। तो बात करते हैं प्रेशर की, देखिएगा प्रेशर को। अब प्रेशर क्या है कि अगर जैसे कि कुछ चीज़ें हैं आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें, कि फोर्स है, ठीक है। अगर जैसे फोर्स है तो अगर आपने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, तो फोर्स आपने अप्लाइड किया, फोर्स की वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, फोर्स की वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो फोर्स के इफेक्ट हैं वो एरिया पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी है, तो उनको अच्छे से देखिएगा। जैसे कि मान लो फर्स्ट एक्टिविटी है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है कि एक पेंसिल है, मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ, एक पेंसिल है, आपने क्या किया उसको शार्प किया, और ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, और क्या कर रहे हो, फिंगर से आप दबा रहे हो दोनों साइड से, तब आप दबाएंगे, ज़्यादा तेज से दबा देंगे तो जहाँ पर जो आपने शार्प किया है उसको बिल्कुल शार्प कर रखा, बिल्कुल पैनी कर दी पेंसिल, तो जहाँ पर आपने, जहाँ पर एक साइड आपने क्या किया उसे शार्प कर दिया, दूसरी साइड जिस तरह से थी उस तरह से ही है वो। तो जिस साइड आपने शार्प किया है उस साइड की जो फिंगर है, अगर आप तेज़ी से दबा दोगे, हो सकता है वो जो फिंगर के अंदर क्या कर दे, वहाँ पर होल बना दे, है ना, ब्लड भी आ सकता है, हर्ट भी कर सकता है आपको। तो क्यों कर रहा है हर्ट, इस साइड तो नहीं किया, इस साइड क्यों हर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया आपने, शार्प कर दिया, मीन्स जो कॉन्टैक्ट जो एरिया है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसको क्या कर दिया आपने, कम कर दिया आपने, जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। अब तो देखिएगा जहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट एरिया कम किया, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर कॉन्टैक्ट एरिया आपने कम कर दिया तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट एरिया आपने क्या किया, कम किया, तो फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ है। अब जैसे देखिएगा, अगर आप नाइफ से, शार्प नाइफ है, उससे आप एक एप्पल काटते हो तो क्या होता है, बहुत आसानी से कट जाता है, बिल्कुल शार्प नाइफ है उस तरह से आसानी से कट जाता है। अगर ब्लंट एज है तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ब्लंट एज में क्या होता है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट होता है, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट आ रहा है कि अब इससे क्या आप निकाल सकते हो, क्या आपको पता चल सकता है कि जो एरिया है हमारा, अगर स्मॉल एरिया हुआ, अगर एरिया क्या है, स्मॉल हो गया, अगर कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो जो फोर्स है, जो फोर्स है ज़्यादा अप्लाई होगा, मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, ज़्यादा आपको जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इस तरह समझिएगा कि अगर जैसे कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो इसकी वजह से जो फोर्स का इफेक्ट है, जो फोर्स का इफेक्ट है वो क्या दिखेगा, वो ज़्यादा दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो फोर्स है, जो फोर्स का इफेक्ट है, जो फोर्स का इफेक्ट है किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके कॉन्टैक्ट एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़, एक तो क्लियर हो गया कि भाई फोर्स का इफेक्ट है किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके कॉन्टैक्ट एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। अब दूसरी चीज़ समझिएगा कि जो फोर्स का इफेक्ट है क्या इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, जो फोर्स का इफेक्ट है इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसको, इसको भी एक एक्टिविटी के साथ समझिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। आपने लिया एक मड लिया, है ना, आपने एक सॉफ्ट मड ली और उसको एक बीकर है उसके अंदर आपने फिल कर दिया। इसके बाद आपने क्या लिया, एक सेम साइज की और सेम जो वेट है ABC, तीन आपने ब्रिक ली, क्या ली, ब्रिक्स ली, ठीक है, ब्रिक्स ली आपने सेम साइज की और सेम वेट है। तो पहले आपने एक एक रखी, ए और बी दोनों रखी हैं, तो क्या होगा, वो जो मड है, सॉफ्ट मड है, बिल्कुल इक्वली उसमें क्या हो जाएंगी, वो अंदर सिंक हो जाएंगी। अब क्या किया आपने, बी के ऊपर सी ब्रिक को और रख दिया, जैसी रखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो मोर सिंक हो जाएगी, क्या ज़्यादा से ज़्यादा सिंक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है किस पर डिपेंड करा, उसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है, जो फोर्स है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिएगा, इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करके अगर समझते हैं, अगर इन दोनों जो एक्टिविटी आपने देखी उन चीज़ों को समझते हैं, तो क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फोर्स या फिर एरिया के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, फोर्स एंड एरिया के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। इन दोनों एक्टिविटी से आप समझ सकते हो, जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी आ रही है, उसको बोलते हैं प्रेशर।
क्या बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर को अगर हम मैथमेटिकली अगर ड्राइव करना चाहें, अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जितना हमारा पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे प्रेशर। या बोल सकते हो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट को बोलते हैं, थ्रस्ट भी एक टाइप का हमारा फोर्स होता है, ये होता है टोटल, टोटल फोर्स होता है। क्या होता है टोटल फोर्स, जिस सरफेस पर लग रहा है उसको बोलेंगे टोटल फोर्स, जो टोटल हमारा फोर्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब क्या है कि अगर जैसे हम एरिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एरिया अगर इंक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर एरिया कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर प्रेशर अगर इंक्रीज करना है हमको तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करना, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको किसमें दिखता है, जो कटिंग टूल होते हैं, पियर्सिंग या फिर कटिंग जो टूल्स होते हैं, उनमें शार्प एजेस क्या रखनी पड़ती हैं, शार्प एज रखनी पड़ती हैं, जिससे कि हमको क्या करना पड़े, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाए, प्रेशर मैक्सिमम अप्लाई हो। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट यहीं समझ सकते हैं। देखिएगा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ से निकालिएगा, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट है उसकी क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल भी इसको बोलते हैं। तो आप पास्कल ही बोल सकते हो, डिनोट कैसे करते हैं, पी और ए, कैपिटल पी स्मॉल ए, तो पी ए से हम इसको डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ में देखिएगा कुछ एक एग्जांपल इसको समझिएगा, जैसे कि अगर दे रखा है एक बॉक्स है, उसका वेट इतना है, 100 न्यूटन है, प्लेस किया गया किस पे, वुडन ब्लैंक पे प्लेस किया गया, सच डेट एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर है। तो बोला है प्रेशर एग्जर्ट बाई द बोस, जो बॉक्स है हमारा उससे कितना प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा ऑन द ब्लैंक। तो कितना हमारा प्रेशर एग्जर्ट करेगा बाई द बॉक्स से, कितना हमारा प्रेशर अप्लाई एग्जर्ट करेगा। तो प्रेशर आपको निकालना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के खुद ही कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका जो वेट है, जो वेट बॉक्स है उसका कितना है, 100 न्यूटन, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे और आप सिंपली वे से इसको निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको अपने आप से करना है, तो इसको करिएगा, काफ़ी आसान जो एग्जांपल है, काफ़ी आसान है, इसको करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यूनिट का ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में आपको लिखना है। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट, देखिएगा अगर आपको देखो अभी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर देखिए स्लो थोड़ा सा इसलिए और पढ़ाना पड़ता है, जिससे कि और भी बच्चे रहते हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो उनको भी चीज़ें समझ में आने लगें। ठीक है, तो और देखिए अगर आप बोर हो रहे हैं तो इसको पॉज करके बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक बार में ही सारा देखना है। अब देखिए अगर एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो भी, जैसे हमको कोई चीज़ अगर चाहिए, ऐसी सिचुएशन बनाना है जहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेशर डिक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है अपने यूज़ के लिए, तो उस तरह से कैसे कर सकते हैं। मान लो इंक्रीज हमको प्रेशर क्या करना है, बढ़ाना है, प्रेशर हमको इंक्रीज करना है, जैसे हर हमारा नाइव हो गया, ब्लेड्स हो गया, सीजर हो गया, सा एक्सेस हो गए, तो इनमें इनके केस में हमको क्या करना पड़ता है, एजेस को शार्प करनी पड़ती हैं, एजेस को शार्प करनी पड़ती हैं। शार्प एजेस के साथ मतलब क्या है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो सरफेस एरिया है हमारा, उसको क्या करना पड़ता है, स्मॉल करना पड़ता है, जिससे कि प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई हो। तो ये चीज़ हो जाती है, प्रेशर क्या हो, इंक्रीज कर दिया इसमें। अब देखिएगा तो क्या है कि ग्रेटर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ईजिली कट हो जाता है। अब जैसे कि हमारा पेपर पिन हो गया, नीडल हो गया, थम्स पिन हो गए, नेल्स हो गए, इसमें क्या है, नीचे नुकीली रहते हैं, है ना, नीचे नुकीली रहते हैं, ऊपर इस तरह से बना रहता है, तो आप आराम से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो क्या है, कम है, तो ईजिली इनको क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में पियर्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किसी भी मटेरियल में इनको आराम से इस तरह से प्रेस पियर्स कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो जो भी पिन होते हैं हमारे, पेपर पिन होते हैं या फिर नेल्स हो जाते हैं या नीडल्स हो जाते हैं, तो इनको आराम से आप नीचे पॉइंटेड रखते, जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वो टिप पर क्या होता है, कम होता है, प्रेशर अप्लाई करके आप आराम से उनको क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में उनको पिन कर सकते हो आराम से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम बात करते हैं प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं,
तो डिक्रीजिंग प्रेशर आपने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया। तो प्रेशर कहाँ कहाँ डिक्रीज करते हैं देखिएगा, जैसे हाई राइज जो बिल्डिंग होती है हमारी, हाई राइज बिल्डिंग है तो उनमें आपने देखा होगा कि हाई राइज बिल्डिंग में मतलब क्या है कि इस तरह से आप काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग रहती हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपको प्रेशर क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो जो बेस वाला है उनको कैसे बनाते हैं, काफ़ी ब्रॉड बनाते हैं, काफ़ी ब्रॉड बनाते हैं, जिससे कि जो कॉन्टैक्ट, जो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट है हमारा, तो वो क्या रहे, जो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट है ज़्यादा रहे, है ना। इस तरह से हम रखते हैं कि अगर ग्राउंड से कॉन्टैक्ट हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो हम क्या बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। कॉन्टैक्ट एरिया को इंक्रीज़ किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे सेम हमारा अगर हैवी व्हीकल्स, अगर हैवी व्हीकल्स हैं तो हैवी जो व्हीकल्स उनमें लोड बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं, तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टायर्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टायर यूज़ करते हैं, जिससे कि कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। पिलर्स वगैरह हैं, पिलर्स किसके, ब्रिज के पिलर होते हैं, तो नीचे क्या रहते हैं, नीचे ब्रॉड होते हैं, नीचे क्या रहते हैं, ब्रॉड रहते हैं, ब्रॉड की वजह से क्योंकि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है उनका, तो ब्रॉड रहते हैं, इस वजह से उनका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या ज़्यादा है, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा जो बैग वगैरह आप यूज करते हैं स्कूल लेके आते हैं, स्कूल बैग्स हो गए, हैंडल या उसके जो स्टेप्स हो गए कैसे होते हैं काफ़ी, वो भी ब्रॉड रहते हैं, क्योंकि शोल्डर पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई ना हो, शोल्डर पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई ना हो। इसके साथ क्या कि जो आर्मी टैंक्स होते हैं, आर्मी टैंक होते हैं, तो वो अधिकांश हमारा मार्सी या फिर अनइवन जो एरिया रहता है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर इस तरह से मूव करते हैं, तो वो सिंक ना हो जाए, जैसे मार्सी एरिया में अगर मूव कर रहे हैं तो सिंक ना हो जाए वहाँ पर, तो इस तरह से कैटर जो पिलर्स ट्रैक होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इनमें क्या यूज़ किए जाते हैं, कैटर पिलर जैसे इस तरह से आप देख रहे हो इसमें भी बने हुए हैं, इस तरह से होता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मान लो इस तरह से रोटेट करना है तो पूरा का पूरा इस तरह से इतना बड़ा कॉन्टैक्ट एरिया रहता है, ठीक है, तो बाकी वो मूव करते हुए इस तरह से चले जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट एरिया मीन्स कैटर पिलर जो ट्रैक्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है व्हील के साथ में, तो कैटर जो पिलर होते हैं इस तरह से ब्रॉड होते हैं काफ़ी, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से जो प्रेशर है डिक्रीज हो जाता है, वो ग्राउंड में सिंक नहीं हो पाते हैं, जो मार्सी एरिया है या फिर अनइवन जो एरियाज होते हैं उनमें सिंक नहीं हो पाते हैं। साथ में नेक्स्ट क्या है कि वुडन स्लीपर्स जो यूज होती हैं, जो रेलवे ट्रैक में इस तरह से ये बनी हुई हैं, क्यों, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट एरिया है ग्राउंड के साथ इंक्रीज हो जाए और जो रेल वगैरह जो वहाँ पर ट्रेन वगैरह चल रही है तो उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई ना हो, तो यहाँ पर भी वुडन जो स्लीपर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिससे कि कॉन्टैक्ट जो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, प्रेशर कम अप्लाई हो, ये हो जाता है। अब इसके बाद देखिएगा चीज़ें और देखिएगा, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड, कि लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर, कैसे प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो लिक्विड की वजह से अभी तो आप देख रहे थे सॉलिड चीज़ें जो भी थी, सारे पिलर्स वगैरह थे, आपने जितने सारे एग्जाम्पल देखे हैं पिलर्स वगैरह हैं या फिर कोई भी आपने सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बनाया है, तो वो क्या है, एक सॉलिड के फॉर्म में देखा। अब बात करते हैं प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड, तो लिक्विड के द्वारा हमारा किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि इसको भी एक्टिविटी से समझते हैं, कि एक्टिविटी नंबर थर्ड इसमें क्या है कि एक आपने क्या लिया, एक गिलास ट्यूब लिया, तो गिलास ट्यूब लिया, दो गिलास ट्यूब लिया आपने, सेम साइज़ की हैं, इसमें क्या किया आपने, नीचे एक रबर बैलून फिट कर दिया, उसको यहाँ पर थ्रेड कर दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया और पानी भरना स्टार्ट किया, इसमें पानी डालना स्टार्ट किया, फिल्ड करना स्टार्ट किया। जैसे करेंगे पहले तो आपने सेम साइज़ तक इसमें वाटर था फिल्ड किया दोनों में, फिर दूसरे वाली में ज़्यादा ज़्यादा आपने वाटर फिल्ड कर दिया। जब ज़्यादा आपने जैसे ही वाटर फिल्ड किया तो जो बल्ग है बैलून, तो इसमें भी पहले तो क्या इक्वली वल्क्स था, लेकिन क्या हुआ जिसमें आपने ज़्यादा पानी डाला, ज़्यादा वाटर डाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वल्क था वो इंक्रीज हो गया, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मीन्स इसका मतलब जो कंक्लूजन निकला कि प्रेशर एग्जर्ट बाई लिक्विड, जो लिक्विड से हमारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जैसे ही आपने हाइट बढ़ाना स्टार्ट किया, मीन्स मोर ज़्यादा वाटर डालना स्टार्ट किया, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो हाइट की वजह से क्या हो रहा है, उसका जो बल्ग है मीन्स बल्ग इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा उसमें एग्जर्ट हो रहा है। तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड या प्रेशर एग्जर्ट बाई लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हाइट है किसकी, कॉलम की, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद देखिएगा और चीज़ें देखिएगा, समझिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेशर एग्जर्ट
ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। तो जो प्रेशर है वो एग्जर्ट हो रहा है किस पर, कंटेनर की साइड पर एग्जर्ट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों एग्जर्ट हो रहा है, किस तरह से देखिएगा, किसकी, कंटेनर की साइड पर। तो इसमें भी एक एक्टिविटी है, समझ गए इसको ध्यान से, कि एक बैलून लगाया, एक मेटालिक सिलेंडर लिया, दूसरा भी लिया, और उनको क्या किया, साइड में एक किस तरह से होल बना दिया। पहले देखा तो पहले इस तरह से देखा, एक ही मेटालिक सिलेंडर, दो नहीं है, आप कीजिएगा इसमें एक ही रहेगा। एक क्या इनिशियल पोजिशन है हमारा, क्या इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल में क्या किया, इसमें बैलून लगाया, कुछ नहीं था उसमें, इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक था। फिर दोबारा से इसको इधर लेके आए, फिर इसमें क्या किया, इसमें पानी डालना स्टार्ट किया। जैसे ही पानी डालना स्टार्ट किया तो जो बैलून है वो बल्गिंग होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, बल्ग हो गया। और आप जैसे पानी बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा, बल्ग होता चला जा रहा है। मींस जो आप लिक्विड इसमें फिल्ड कर रहे हैं वो, लेकिन साइड में जो बैलून आपने क्या लगाया, साइड में लगाया, तो इसकी वजह से साइड में भी प्रेशर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जो आपने लिक्विड इसमें फिल्ड किया है। क्लियर हुआ? तो क्या मतलब इसका, कि जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है किससे, लिक्विड से, वो क्या हो रहा है, साइड ऑफ द कंटेनर पे भी अप्लाई होता है। किस पर एग्जर्ट हो रहा है, साइड ऑफ द कंटेनर पे। तो ये कंक्लूजन आता है इस एक्टिविटी से, किससे आए, किस पर हो रहा है, साइड ऑफ द कंटेनर पे। अब देखिएगा और क्या है, कि जैसे लेवल आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इसमें, और साथ में देखिएगा, जितना लेवल आप बढ़ाते चले जा रहे हैं उतना आपका बल्क होता चला जा रहा है, जो इंक्रीज है उसका बल्क का वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। मीन्स लेवल ऑफ वाटर जैसे आपने बढ़ाया तो बल्क होना और भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इन दोनों जो एक्टिविटी है, इससे भी एक्टिविटी से क्लियर होता है कि जो प्रेशर एग्जर्ट है लिक्विड के द्वारा वो क्या कर रहा है, वो साइड ऑफ द कंटेनर पे भी इफेक्ट डाल रहा है, एग्जर्ट कर रहा है। तो ये अब इसी को बोलते हैं कि साइड ऑफ द कंटेनर पर जो एग्जर्ट कर रहा है, जो प्रेशर एग्जर्ट बाय द फ्लूड ऑन द साइड ऑफ द बीजल, जो वेसल्स की हमारे साइड पे इफेक्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर। तो लेटरल जो प्रेशर है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको रिपीट करके देखिएगा। तो क्या है लेटरल प्रेशर, तो लेटरल प्रेशर क्या है, कि जैसे अगर आपने हाइट इंक्रीज कर दी, अगर आपने कॉलम की हाइट इंक्रीज कर दी, मीन्स अगर वाटर जाना जाना आप डालते चले जा रहे हैं, लिक्विड जाना जाना डालते चले जा रहे हैं, तो आपका जो प्रेशर है ज़्यादा से ज़्यादा आपका अप्लाई होता चला जाएगा, एग्जर्ट होता चला जाएगा। मीन्स लेटरल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा विद द इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो लिक्विड कॉलम की अगर हाइट आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी, लेटरल प्रेशर भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट किसका, प्रेशर एग्जर्ट बाय द लिक्विड। क्या है, प्रेशर एग्जर्ट बाय द लिक्विड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मोनोमीटर की। तो अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो एक बार और रिपीट करिए, लेकिन समझिएगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए मोनोमीटर, हम बात करते हैं मोनोमीटर। तो मोनोमीटर क्या है, कि मोनोमीटर क्या है, कि एक मोनोमीटर डिवाइस होती है जो कि जिससे हम पता लगाते हैं, मेजर करते हैं प्रेशर एग्जर्ट, मेजर करते हैं कि लिक्विड से हमारा कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड, जितना हमारा लिक्विड से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मैनोमीटर। तो मैनोमीटर एक डिवाइस है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसका जो फिगर उसको समझिएगा ध्यान से, किस तरह से इसको बनाते हैं मैनोमीटर। एक यू ट्यूब लेते हैं, यू शेप की लेते हैं, यू शेप ग्लास ट्यूब लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर बनी, बीच में देखिएगा, ये मैंने मार्क कर दी, लेकिन अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक बार और बताता हूँ ये वाली, ये क्या है, यू ट्यूब शेप्ड, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। इसको क्या किया, दोनों साइड ये क्या रहती है, दोनों एंड पे ओपन रहती है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, ठीक है, दोनों तरफ ओपन है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। अब क्या किया आपने इसमें, और साथ में क्या होता है, एक स्केल रहती है बीच में, देख रहे हो स्केल है, ठीक है, एक और उसमें वुडन जो जो लकड़ी का बना रहता है, बोर्ड रहता है, उसके साथ साथ स्केल भी रहती है। स्केल क्या करती है, इसका मेजरमेंट करती है। स्केल क्या करती है, मेजरमेंट के लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो क्या किया कि अब इसमें आर्म है, एक तो जो यू बनाया, यू इस तरह से होता है ना, है ना, इस तरह से यू बन गया आपका। तो ये वाली जो आर्म है ना, ये जो आर्म है इसको ए माना है, वह इस वाली को क्या माना है, वी माना है, ठीक है। तो जैसे ही जिस लिक्विड का आपको प्रेशर क्या करना है, मेजर करना है, उसको इसमें करते हैं फिल्ड, क्या करते हैं उसमें फिल्ड करते हैं। आपने फिल्ड किया, आपने उसको क्या कर दिया, उसमें फिल्ड किया। जैसे ही आपने फिल्ड किया, ठीक है, अब इसमें आपने एक फनल लगा रखी है, आपने इसमें क्या लगाई, इसमें फनल लगाई है, ठीक है। तो जैसी जो रीडिंग आती है, जैसे आपने इसमें फनल लगाई और आपने इसमें फिल्ड किया, तो जो रीडिंग आती है, जैसे कि आपने फिल्ड किया और यहाँ पर ही इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो अब क्या करते हैं, इसकी रीडिंग देखते हैं। रीडिंग कैसे चेक करते हैं, कि इसकी जो डिस्टेंस, जो कॉलम की हमारी, जो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो कि लिक्विड हमारा यहाँ तक पहुँच गया, लिक्विड क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच जाता है हमारा। अब लिक्विड यहाँ तक पहुँचा
और दूसरी वाली जो हमारी आर्म है वहाँ पर कहाँ है, सब इस वाले पॉइंट तक है। तो इन दोनों कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस आती है, जो डिस्टेंस आती है, तो उसके बेस पर जो रीडिंग आती है हमारी, जो डिफरेंस आता है उसके बेस पर, मान लो एच यहाँ पर जो हाइट है इसकी एच आई है, उसकी जो हाइट है एच आई है, तो जो हमारी रीडिंग में डिफरेंस आता है स्केल में, उसकी बेसिस पर हम क्या पता लगाते हैं, प्रेशर को हम पता लगाते हैं क्या है कि कितना हमारा प्रेशर होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से हम मोनोमीटर की हेल्प से हम क्या लगा लेते हैं, प्रेशर को, जो प्रेशर हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है लिक्विड की वजह से, उसको हम पता कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। मैनोमीटर का बेसिकली हम किसके किस में यूज़ करते हैं, ये डिवाइस होती है क्या मेजर करने के लिए, एग्जर्ट कितना हमारा जो लिक्विड है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। क्लियर हो गया, आप समझ गए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद देखिएगा क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, लिक्विड जो प्रेशर हमारा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो फर्स्ट था, जैसा मैंने बताया था अभी कि लिक्विड है, तो लिक्विड है बाल ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है। साथ में क्या है, जो प्रेशर एग्जर्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, डेंसिटी के। जितनी लिक्विड की डेंसिटी होगी उतना ही हमारा प्रेशर एग्जर्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। मोर डेंसिटी, अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब क्या है, अगर जो डेप्थ है, जो लिक्विड की हमारी जो डेप्थ है, तो जैसी हमारी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर एग्जर्ट भी हमारा क्या होता चला जाएगा, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और साथ में क्या है कि प्रेशर सारी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या है, सेम हमारा क्या करता है, सेम अप्लाई होता है, ठीक है। और सभी पॉइंट पर, जैसे एक पर्टिकुलर आपने आप हाइट पे एक पॉइंट ले लिया, एक पर्टिकुलर हाइट पर एक पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट के चारों तरफ हमारा क्या होगा, सारी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाइड होगा एक पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर में एक फ्लूड भरा हुआ, एक पॉइंट आपने ले लिया, तो इसकी किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, हर डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, प्रेशर सेम अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, कोई भी लिक्विड है हमारा, लिक्विड अगर किसी भी आपने, कोई भी सेप हो सकती है, कोई भी आपने एक वेसल लिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो सकता है, सेप कुछ भी हो सकता है, तो जैसे लिक्विड आप फिल करोगे तो अपना रास्ता वो अपने आप बना लेता है। ये भी क्या है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये लिक्विड प्रेशर की वजह से होते हैं, लिक्विड प्रेशर के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक एक करके इनको रीड करिएगा और सारे याद रखिएगा। तो ये है, अब बात करते हैं पास्कल ला। तो पास्कल ला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, तो ये इन्होंने कैलकुलेटर का भी जो इन्वेंशन है वो भी किया था, साथ में इन्होंने सिरिंज वगैरह हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, इनके सारे जो इन्वेंशन है वो किए थे। तो किस बेसिस पे किए थे, इन्होंने जो अपना ला है पास्कल ला, उसके प्रिंसिपल के बेसिस पे इन्होंने सारे जो अपने इन्वेंशन है वो किए थे। ये एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, काफ़ी ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, बहुत टैलेंटेड थे। चलिए अब देखिए कि पास्कल ला का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा। तो पास्कल ला का जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि अगर कोई फ्लूड है, फिक्स्ड है, मान लो एक फिक्स्ड आपने कंटेनर में एक फ्लूड भर दिया, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, क्या है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रेशर अप्लाइड किया, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाइड किया, तो जो प्रेशर है इक्वली सेम हर डायरेक्शन में इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। मतलब आपने पी अप्लाई किया तो पी यहाँ भी होगा, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए एक पॉइंट के अबाउट, तो सब डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था पास्कल ला का जो प्रिंसिपल था, इसी से इन्होंने काफ़ी सारे जो इन्वेंशन है अपने किए, ठीक है। ये है पास्कल ला के बारे में। अब देखिएगा कुछ चीज़ें और समझ गया, इसके बाद क्या है, देखिएगा अब क्या है कि जो वेरिफिकेशन है, जो वेरीफाई है पास्कल ला का किस तरह से हुआ है, उसको समझिए, एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो एक्टिविटी नंबर फाइव है क्या है कि एक क्या लेते हैं, एक लॉन्ग नेक गिलास फ्लास्क लिया, इसमें क्या है कि होल है चारों तरफ और यहाँ पर पिस्टन लगी है, एक एयर टाइट पिस्टन है, इससे कि एयर भी इस तरह साइड से बाहर नहीं निकल सकती। तो क्या किया, इसको यहाँ से पुश किया, जैसे पुश करेंगे तो पूरी की पूरी इसकी जो एयर है वो निकल जाएगी, गायब हो जाएगी। अब जैसे पुश किया, अब इसको क्या डाल देंगे, एक बीकर है जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, पानी भरा है, उसमें इसको क्या कर दिया, डाल दिया अंदर। डालने के साथ साथ पिस्टन को जैसे ऊपर उठाएंगे, तो ऊपर उठाएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम की वजह से तो जो वाटर है इसमें क्या हो जाएगा, सब में फिल्ड हो जाएगा, फिल्ड हुआ। फिर इसको बाहर लेके आए, बाहर लेके आए, फिर जो पिस्टन है उसको नीचे की तरफ क्या किया, मूव किया, ठीक है, उस पर फोर्स लगा दिया। तो जैसे ही फोर्स लगाए, जो होल बने थे, सभी होल से वाटर क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप क्या लगा रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पास्कल ला है वो वेरीफाइड हो जाता है,
कि सभी डायरेक्शन में, जैसे आपने एक फोर्स अप्लाई किया तो सभी डायरेक्शन में आपका प्रेशर इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इक्वली क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सभी जो होल हैं उनसे जो वाटर फ्लो होगा यूनिफॉर्मली फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, जो लिक्विड जो प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बात फर्स्ट वाली बात करते हैं, लिक्विड प्रेशर है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है। जैसे आपने डेप्थ इंक्रीज कर दी, आप नीचे चले गए, डेप्थ आपने बढ़ा दी, तो जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने दे रखा डैम वगैरह बनाते हैं, नीचे क्या होते हैं, मोटे होते हैं काफ़ी, ऊपर एज कम्पेयर टू ऊपर पतले होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है ग्राउंड से जो कॉन्टैक्ट है, प्रेशर नीचे क्या होता है, जाना लगता है, प्रेशर क्या लगेगा, नीचे जाना लगेगा, क्योंकि डेप्थ बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से आपको क्या करते हैं, डैम का जो नीचे वाला जो बेस होता है उसको क्या बनाते हैं, थिकर बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा जो लेटर प्रेशर है उस पर क्या हो जाए, स्टैंड कर सके, वो रह सके। तो एक एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि जो सी वाटर होता है, जो ड्राइवर होते हैं, जो उसमें ड्राइव इस तरह से तैरते हैं, तो क्या जैसे नीचे जाएंगे, है ना, नीचे जाते चले जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, डीप चले जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए तो स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं, जिससे कि उस प्रेशर से वो क्या कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, बच सकें, क्योंकि नीचे जाते ही हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इसके साथ बात करते हैं कि अगर वाटर टैंक्स वगैरह, जैसे आपने वाटर टैंक देखे हैं जो घर के कंपेयर में बिल्डिंग के ऊपर रखे जाते हैं, हाई ऊपर रखे जाते हैं, हाई पॉइंट पर रखे जाते हैं एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? जिससे कि प्रेशर ज़्यादा लगे ऊपर, क्या हो, जैसे हाइट बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा और नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं अगले पॉइंट के बारे में, देखिए क्या है। तो प्रेशर एग्जर्ट बाई द गैसेस, अब गैसेस से जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसके बारे में समझते हैं कि गैसेस से हमारा कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट बाई गैसेस ये क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में, मेनली एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, देखिएगा जो हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं जिसको बोलते हैं एटमोसफेयर। 300 किलोमीटर तक एक थिक लेयर है गैसेस की, वो बहुत सारी गैसेस हैं। तो सारी गैसेस क्या करती हैं कि सरफेस, अर्थ की सरफेस की तरफ हेल्ड है, अर्थ की सरफेस की तरह एक ग्रेविटेशनल फुल्स पुल की वजह से, जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से उसी की तरफ आती रहती हैं, उसी की तरफ हैं, ये उसी की तरफ क्या हेल्ड है। तो उस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है कि अर्थ जो सरफेस है उसके कॉन्टैक्ट में रहती हैं, उस पे एक फोर्स अप्लाइड करती हैं, क्या करती हैं, फोर्स एग्जर्ट करती हैं। तो उसी फोर्स की वजह से क्या होता है, एटमोसफेयर प्रेशर हमारा जनरेट होता है, क्या होता है, एटमोसफेयर प्रेशर आता है। क्या है एटमोसफेयर प्रेशर, देखिए एक बार और समझिए कि फोर्स एग्जर्ट बाय द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का मतलब जो गैसेस है हमारी, तो गैस के द्वारा कितना हमारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो क्या है कि फोर्स एग्जर्ट बाय एटमोसफेयर पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमोसफेयरिक प्रेशर। अब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है सारी डायरेक्शन में लगता है, सभी डायरेक्शन में लगता है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट तो वही होती है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो जो वैल्यू होती है हमारी सी लेवल पे 101325, क्या होती है 101325 पास्कल, किस पर, सी लेवल पर, सी लेवल पर हमेशा मैक्सिमम रहती है, इसलिए हम सी लेवल पर इसको देख के चलते हैं। अब देखिए इसको एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि जो कैसे शो करेंगे एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। जैसे कि आपने लिया एक कैन ली और उसमें कैन लिड लगी हुई, लेड यहाँ पे लिड है, तो क्या कैन लिया उसमें वाटर फिल्ड किया, वाटर जो कैन का जो जितना कैन भर सकता है इसमें उसका 1/3 लिया कि 1/3 पानी इसमें भरा है, ठीक है, उसके वॉल्यूम का 1/3 इसमें फिल्ड किया। अब नीचे से आपने गर्म करना स्टार्ट किया, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पे स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे स्टीम बनना स्टार्ट हुई आपने क्या किया, लीड को बंद कर दिया, लीड को बंद कर दिया और यहाँ पर वाटर कोल्ड वाटर के नीचे आए, लेके आए, तो जो यहाँ पर स्टीम बन रही थी, जो भाप बन रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, स्टीम क्या होगी, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ तो प्रेशर यहाँ से अप्लाई करना, जो एटमोसफेयर प्रेशर है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हुआ तो प्रेशर अप्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कैन है, तो आप देख रहे हो कैन किस तरह से हो जाएगी, क्रश होना स्टार्ट हो जाएगी, कैन कैसे, यहाँ पर देख रहे हो कैन को क्या हो रही है, क्रश हो रही है, ठीक है, तो कैन क्या हो जाएगी, क्रश होना स्टार्ट हो जाएगी सभी डायरेक्शन में, ओनली बॉटम पे छोड़ के, बॉटम पे छोड़ के, क्योंकि बॉटम में क्या है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, क्रश होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो एयर प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, एग्जर्ट कर रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, सभी ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, एग्जर्ट करता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शन,
ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक दो बार और पढ़िएगा इसको, समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसके बारे में, कुछ समझते हैं एटमोसफेयर प्रेशर के बारे में, कुछ पॉइंट दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे फाउंटेन पेन आपने देखा, उसमें क्या होता है, रबर ट्यूब होती है, तो रबर ट्यूब को जैसे हम प्रेस करते हैं, एक क्लिप होती है, क्लिप के द्वारा उसे प्रेस करते हैं, तो जो इस तरह से मान लो फाउंटेन पेन है हमारा, ये फाउंटेन पेन है, ठीक है, इसमें एक क्लिप लगी होती है, उसको आपने जैसे प्रेस किया तो जो उसकी एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब उसको दबाए रखते हैं और इंक, जो हमारा इंक पॉट होता है, तो उसमें लेके जाते हैं और वहाँ उसको क्या कर देते हैं, जहाँ पर आपने दबा रखा उसको रिलैक्स कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं आप। जैसे ही छोड़ा तो क्या हो जाता है कि जो पेन के अंदर हमारी जो इंक है वो क्या हो जाती है, भर जाती है, ठीक है, पेन के अंदर जो इंक है वो क्या हो जाती है, भर जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंक पॉट है उस पर क्या हो रहा है, इंक पॉट है, तो इंक पॉट पर हमारा एटमोसफेयर प्रेशर क्या होता है, अप्लाई होता है। एटमोसफेयर प्रेशर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। आप वहाँ पर लेके गए जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट था इसके अंदर, पेन के अंदर, जो हमारा फाउंटेन पेन है, जैसे आपने रिलीज किया इसको, तो यहाँ से ये एटमोसफेयर प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है और ये इंक इसमें फिल्ड हो जाती है, ठीक है, सॉरी, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं एटमोसफेयर प्रेशर। हमेशा जो एटमोसफेयर प्रेशर है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ वगैरह आप चले जाओ तो क्या हो जाता है, वहाँ प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन की चढ़ाई करते हैं, उनकी नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है जब हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचते हैं वो, ठीक है, तो क्या ये प्रॉब्लम होती है, नाक से उनकी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी का प्रेशर क्या हो जाता है, उनकी उनकी अंदर का प्रेशर, जो इनसाइड प्रेशर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो अंदर वाला प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से जो नाक से उनका क्या ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है। अब इसके बाद देखिए और चीज़ समझिएगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, पहनते हैं, कब, जब आ जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस में जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, कोई प्रेशर तो है नहीं स्पेस में, जीरो एटमोसफेयर प्रेशर रहते हैं। तो इस तरह से अगर वो जो अपना प्रोटेक्शन ना लें, अगर वो जो वहाँ पर बियर कर रहे हैं, क्लॉथ्स वगैरह पहन रहे हैं, ठीक है, पहन के जा रहे हैं, अगर वो प्रेशराइज्ड अगर नहीं पहने, डिजाइन अच्छे से नहीं किए हुए हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो क्या कर जाएगी, वर्स्ट कर जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल डिजाइन प्रेशराइज्ड सूट वगैरह पहनते हैं, है ना, प्रेशराइज्ड सूट होते हैं उनके जब स्पेस में जाते हैं, जिससे कि वो जीरो एटमोसफेयर प्रेशर के इफेक्ट को क्या कर सकें, काउंटर कर सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिंपल जो बैरोमीटर होता है उसके बारे में समझते हैं, बैरोमीटर का क्या यूज़ होता है। देखिए बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या, मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एटमोसफेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, क्या करते हैं, एटमोसफेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। जो हमारा एटमोसफेयर प्रेशर है वो मोस्टली क्या रहता है, जगह जगह इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता रहता है, एल्टीट्यूड के साथ भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, लेकिन जो सी लेवल है, सी लेवल पर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, सी लेवल पे क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो इनिशियली जो फर्स्ट टाइम जो बैरोमीटर है हमारा, जो इन्वेंट किया था, तो इवेन गैलिस्टो, इनका नाम था इवेन गैलिस्टो टॉरिसली, तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 1643 में जो बैरोमीटर उसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था, एक इटालियन साइंटिस्ट थे इवेन गैलिस्टो टॉरिसली। तो जिस बैरोमीटर का इन्होंने इन्वेंशन किया था, इन्वेंट किया था, उसको बोलते हैं टॉरिसिली बैरोमीटर या फिर सिंपल बैरोमीटर, तो कोई भी नाम ले सकते हैं आप, टॉरिसिली बैरोमीटर बोल सकते हैं, सिंपल बैरोमीटर बोल सकते हैं, इनका इन्होंने इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं अगर मरकरी बैरोमीटर जो कंसिस्ट है, मरकरी बैरोमीटर की बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में भी उसको देखिएगा समझिएगा, तो मरकरी बैरोमीटर है, इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब इसमें क्या, किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या मरकरी फिल्ड की है, मरकरी फिल्ड करने के साथ साथ जो ओपन एंड होता है, एक साइड तो क्लोज होता है, दूसरा ओपन रहता है, इस तरह से यहाँ पर मान लो ट्यूब है, एक तरफ ओपन है एक और दूसरी तरफ क्या है, एक एंड पर क्लोज्ड है। जिस तरफ एंड ओपन है, आपने क्या किया, वहाँ पर मरकरी भरा और अपनी फिंगर को वहाँ पर लगा दिया, फिंगर को लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, जो ट्रॉग है, ट्रॉग कंटेनिंग एक इस तरह से एक ट्रॉग है, इस तरह से मान सकते, टब मान सकते हो आप, तो उसमें क्या है, मरकरी भरी हुई है, आप उसको लेके गए केयरफुली और आपने विद अपने फिंगर के साथ उसमें इंसर्ट कर दिया और आराम से फिंगर को हटा लिया और उसको क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया। तो इस तरह से जैसे फिंगर रिमूव करेंगे तो जो मरकरी है
वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी कहाँ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं टॉरिसिलियन वैक्यूम। क्या बोलते हैं, टॉरिसिलियन वैक्यूम। तो इस तरह से आप इसे आराम से अपने आप से बना सकते हो, कि अगर इस तरह से अगर बीकर वगैरह दे रखा है आपके पास, मरकरी है, तो अपने आप भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन जो ट्यूब है कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। तो जो स्पेस यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं टॉरिसिलियम वैक्यूम। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद क्या है कि जो हाइट है, जो मरकरी की हम हाइट की बात करते हैं, तो जो हाइट है, वर्टिकल हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस, जैसे कि एक हाइट है इसकी मरकरी कॉलम की फ्रॉम फ्री सरफेस, तो वो किस पर, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है उसको देखिएगा। एक तो करती है कि इंडिपेंड रहती है, किसके ऊपर इंडिपेंड रहती है, कि शेप और साइज ट्यूब का क्या है, कोई शेप और साइज ट्यूब का है उस पर कोई डिपेंड नहीं करती है। अगर इसको हम क्या कर देते हैं, टिल्ट भी कर देते हैं तब भी कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, अगर इसको टिल्ट कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। और साथ में क्या है कि जो एटमोसफेयर प्रेशर है, जो एटमोसफेयर प्रेशर है इस मरकरी की कॉलम से, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इसकी हाइट से, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वो दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। एक बार और समझिएगा, प्रेशर एग्जर्ट बाय द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम मीन्स इस मरकरी कॉलम से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इस मरकरी कॉलम से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, और वो कितना रहता है, हाइट ऑफ कॉलम कितनी रहती है, 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल। हमेशा आपको याद रखना है 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल क्या रहती है, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद और समझिएगा कि जैसे हमने मरकरी कॉलम, हमेशा मरकरी कॉलम या फिर मरकरी बैरोमीटर बोलना है, तो मरकरी क्यों यूजफुल है, इतनी अच्छी क्यों, हम पानी यूज़ क्यों नहीं कर सकते, वाटर यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो रीज़न है हम वाटर यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा कि मरकरी क्या होती है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है। डेंसिटी ज़्यादा के साथ साथ, जो आपने अभी राइस देखा था, कितना राइस हो रहा था, 76 हो रहा था एट सी लेवल पर, 76 सेंटीमीटर। तो ये क्या है कि ये राइस अप होता है कितना, 76 सेंटीमीटर, किस चीज़ को, एटमोसफेयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए 76 सेंटीमीटर ही राइस होता है। लेकिन वाटर क्या होता है, इसकी डेंसिटी एक तो बहुत कम होती है ना, ओनली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। ठीक है, और ये राइस होता है कितना, एक हाइट तक 10.5 मीटर, ये सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर ये मीटर है, तो 10.5 मीटर तक ये क्या होता है, राइस हो जाता है, किस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, एटमोसफेयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो इतना 10.5 मीटर समझ, इतनी बड़ी जो ट्यूब है कहाँ से लेके आओगे, कैसे बनाओगे, तो इम्पॉसिबल रहता है, पहले पॉइंट से इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन मान लो बना लिया आपने, चलो ठीक है बना लेते हैं। अब साथ में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जैसे कि आपने जो मरकरी है उसका प्योर फॉर्म तो मिल जाएगा, क्या एक प्योर स्टेट में मिल जाती है, साथ में ओपेक रहता है, जिससे कि आप रीडिंग आराम से उसको रीड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। तो अगर इसमें जो ट्यूब है उसमें क्या रीडिंग, अगर यहाँ पर आपने बना दी स्केल से, तो उनको भी रीड कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस केस में क्या है, रीडिंग भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन क्या, अगर आप बात करते हैं कि वाटर की, तो वाटर क्या होता है, प्योर फॉर्म में रहता है। वाटर क्या रहता है, प्योर फॉर्म में, इतना आसान नहीं उसको हम मंगा सकें, ले सकें, बना सकें, तो ईजिली नहीं होता है प्योर फॉर्म में लाने के लिए, सॉरी क्या है कि ईजिली नहीं है इसको प्योर फॉर्म में लाना। और साथ में क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से रीडिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और साथ में क्या है कि ये स्टिक नहीं होता है, जो मरकरी स्टिक नहीं होता ग्लास के साथ, तो हम रीडिंग को अच्छे से क्या कर सकते हैं, हम करेक्टली रीडिंग को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, स्टिक हो जाता है, इस वजह से इरर वगैरह आ जाती हैं और हम रीडिंग अच्छे से नहीं फाइंड कर पाते हैं। और साथ में क्या है, मरकरी वेपराइज नहीं हो पाता है, किसमें, वैक्यूम में वेपराइज नहीं होता है। अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वहाँ पर वेपराइज नहीं होगा, करेक्ट हमको जो रीडिंग है एटमोसफेयर प्रेशर की, जो करेक्ट रीडिंग हमको मिल जाती है। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग एटमोसफेयर प्रेशर की हमको करेक्ट रीडिंग मिलती है। लेकिन क्या है, वाटर वेपराइज हो जाता है, तो कभी भी हमको करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाती है। तो ये जो एडवांटेज है जब हम मरकरी यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। इसके साथ बात करते हैं और भी, देखिए कि डिसएडवांटेज है, कि क्या डिसएडवांटेज है, ये जो सिंपल मरकरी जो बैरोमीटर है इसका क्या डिसएडवांटेज है उसको समझिएगा। देखिएगा बैरोमीटर है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है, पहली बात तो देख रहे हो खुला है पूरा, तो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, इसको पोर्टेबल, ये इसलिए इसको पोर्ट नहीं कर सकते, कहीं ले भी नहीं जा सकते, नॉट पोर्टेबल होता है। और साथ में सेकंड पॉइंट क्या है कि जो ट्रग होता है, जो आप देख रहे हो, तो वहाँ से इस तरह से जो कंटेनर टाइप का था, तो वो क्या है, जो ट्रग है हमारा क्या है, वो ओपन में रहता है, इस वजह से ओपन में रहता है, तो लेवल क्या है, जो ओपन में रहता है तो वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वो चेंज होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा,
तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, इस वजह से हमारा जो रीडिंग है वो हमारी अच्छे से नहीं आ पाती है, तो ये रीज़न है। ठीक है, तो ये है क्या है कि जैसे कि अगर हमारा जो भी आपने टॉग लिया था तो उसमें क्या मरकरी है, तो जैसे ओपन रहता है, मान यहाँ समझिए कि ओपन रहता है, ओपन रहने की वजह से क्या है कि आपने देखा था कि प्रेशर जो एटमोसफेयर प्रेशर रहता है वो बैरी करता रहता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर रीडिंग है वो भी नहीं आ पाती है ना, प्रॉपर जो रीडिंग है, तो जो परमानेंट स्केल है उसको भी हम मार्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मरकरी का जो लेवल है वो भी अप डाउन होता रहता है, प्रेशर हमारा एटमोसफेयर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब क्या है, ट्रॉक जो होता है वो ओपन रहता है, ओपन रहने की वजह से उसमें बहुत सारी जो इम्पोर्टीज हैं मरकरी के साथ वो मिक्स हो जाती हैं, इस वजह से भी रीडिंग हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो था, दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपका पेशेंस चेक करेगा कि कितना आपके पास पेशेंस है, क्योंकि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इतना बड़ा जो लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसा मैं बताता हूँ आप अगर ब्रेक कर करके देखेंगे तो काफ़ी पॉसिबल रहेगा आपको देखने में, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे और इसको बंद करके रख देंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो ये उम्मीद करता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो कमेंट करिएगा, उनके जो डाउट्स हैं आपके ज़रूर क्लियर होंगे 1 या 2 दिन में, जैसे ही मैं देखूँगा उनके आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।